राज्य में अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है और यह संभव हुआ है जांच का दायरा बढ़ाने और टीकाकरण से। कुष्ठ आश्रम के अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद बताते हैं कि अभी तक यहां कोई जांच शिविर नहीं लगाया गया था, इस वजह से यहां रहने वाले लोगों की जांच नहीं हो पाई थी। आप लेके यहाँ जांच कराने आते हैं, हाँ। बहुत खुशी की बात आई है, हाँ। तो इसमें हम लोग सब रात सात शाम को मीटिंग किए, हाँ। जो मैडम हम लोग को कोरोना जांच कराने आ रहे हैं, हाँ। तो सब आदमी को 12 बजे रहना है, हाँ। तो सब अपना अपना जो भी लड़का बच्चा काम धाम करता है सब छोड़ के 12 बजे सब हाजिर हो गया। कल्प शाखा देवघर के अध्यक्ष कविता पचेरीवाला ने बताया कि शिविर में 200 लोगों की कोरोना जांच की गई और उनके बीच अनाज का भी वितरण किया गया। खान की ओर से कुछ आश्रम में कोरोना जांच का कैंप लगाए हैं, क्योंकि कोरोना जांच का कुछ आश्रम में अभी तक एक भी कैंप नहीं हुआ था, तो कल हम लोगों को इस बात की खबर मिली कि यहाँ पर कैंप नहीं हुआ है, तो हम लोगों ने सर से बात करके यहाँ पर आज कैंप लगवाया है और कोरोना का जांच करवा रहे हैं। कोरोना जांच को लेकर कुष्ठ आश्रम में रहने वाले लोगों में काफी उत्साह देखा गया। उन्होंने रॉयल्स ऑफ राजस्थान और संकल्प शाखा देवघर के इस पहल की सराहना की। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट।